हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ खड़े मसाले रखने की मेरी टेक्निक जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। खड़ा मसाला हम लोग रोज़ तो यूज़ नहीं करते हैं, कोई कोई रोज़ भी यूज़ करते हैं, कोई कोई कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जब बिरयानी बनाना हो, कुछ मसाला वाली सब्ज़ी बनाना हो, तो उसे रोस्ट करने के लिए हमें अलग अलग बर्नियों में से या डिब्बे में से निकाल के उसे ढूंढना पड़ता है और लेना पड़ता है। और कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, 2-3 बर्निया अलग अलग से खोल के अलग अलग बर्नियों से खड़ा मसाला लिया जाए। तो ऐसे ही ये टेक्निक है कि एक ही जगह पर हम लोग मसाला स्टोर करें और उसे जब चाहे फटाफट हम लोग ले सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। और हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि मैंने कहा किस जगह कौन सा मसाला रखा है, ये बर्नी खोलो, वो डब्बा खोलो, उसमें से ये लो, उसमें से वो लो। तो ऐसे ही परेशानी से बचने के लिए और फटाफट कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें मसाला ढूंढने में आसानी हो, एक ही जगह से हम लोग फटाफट ले पाए, इसलिए आज मैं मेरी मेथड बताने वाली हूँ जो मैं स्टोर करके रखती हूँ मसाला। मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया है जो सेक्शन वाला डब्बा होता है, ये स्टील में भी अवेलेबल होता है जिसमें हम लोग गरम मसाले रखते हैं, पाउडर गरम मसाले। वैसे ये प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिससे हम लोग फटाफट मसाले लेके उसे रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ वाला सेक्शन वाला डब्बा लिया है, आप चाहे तो इससे बड़ा साइज़ का भी ले सकते हैं अगर आपकी आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले खड़े मसाले स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं मैंने दालचीनी रखी है एक ही डब्बे में, एक ही कंटेनर में बड़ी इलायची रखी है, बाद में इधर जावित्री रखी है, मुझे जितने चाहिए क्वान्टिटी मैंने वहाँ पर उतनी रखी है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, भर के यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पे मैंने जितने भी अखे मसाले मैं ले सकती हूँ, मुझे पसंद है और जो यूज़ करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिए हैं सभी मसाले। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मैक्सिमम टाइप के मसाले यहाँ पे स्टोर किए हैं। आप दो तरह के मसाले भी एक साथ स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने चालपल और दगड़ फूल बोलते हुए एक साथ स्टोर करके रखा है, यहाँ पे लौंग और इलायची मैंने एक साथ स्टोर करके रखी है। ऐसे मतलब जो चीज़ें हम लोग एक साथ स्टोर कर सकते हैं ऐसे मसाले एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च अलग से रखी है, यहाँ पर भी बहुत सारी लाल मिर्च आती है क्योंकि हम लोग लाल मिर्च को प्रेस करते तो बहुत सारी जगह यहाँ पे मिल जाती है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक में कलौंजी रखी है, काली कलौंजी, इसे भी हम लोग जिप वाली प्लास्टिक में मैंने रखा है, इसे किसी भी मसाले के ऊपर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सौंफ भी लिया है, उसके नीचे मैंने तेजपत्ता कट करके रखा है। ऐसे मसालों में तेजपत्ता बारीक वाला कट करके रखे तो रोस्ट करने में आसानी होती है और जगह भी कम जगह में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और उसके ऊपर मुझे स्पेस मिला है तो मैंने प्लास्टिक के पॉकेट में ही नहीं मैंने यहाँ पे सौंफ रखी है, उसे भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ। ऐसे ही मसाला हम लोग स्टोर करके मतलब आसानी से मसाला स्टोर कर सकते हैं और कभी भी जल्दी जल्दी में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मसाला आपका ख़त्म भी हो गया यहाँ से तो आप रिफ़िल कर सकते हैं, अगर आप अलग कंटेनर में पॉकेट में मसाला लाए तो उसे एक ही डब्बे में रखें, जैसे ही मसाला आपका जहाँ जहाँ का मसाला ख़त्म होता है जो जो आप उसमें फिल कर सकते हैं। और इसे यहाँ से आप देख भी सकते हैं हमारा यहाँ पे जो लीड है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आप ऊपर से ही चेक कर सकते हैं कौन सा मसाला आपका कम है, और ये लाइट वेट है, इसे आसानी से आप क्लीन भी कर सकते हैं और बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है, और किसी कहीं भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं किसी की कंटेनर्स के ऊपर स्टैक करके, और यहाँ पर ऐसे आप मेनटेन कर सकते हैं मसालों को। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैन रखा है और अभी मुझे मसाले मतलब रोस्ट करने किसी रेसिपी के लिए, तो मैं कैसे फटाफट एक ही जगह से फटाफट मसाले ले सकती हूँ, मुझे डिफरेंट डिफरेंट बर्नियों में से डब्बे में से मसाला निकालने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह से मैं जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए उतनी क्वान्टिटी में मैं ले सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मिक्स वाला मसाला हम लोग एक बर्नी में लाते और रखते हैं मिक्स वाला मसाला, तो उसमें पता नहीं चलता कौन सी चीज़ हम लोग कितनी लेते हैं और कितनी गिर जाएगी। और ऐसे अलग अलग सेक्शन वाले डब्बे में रखने से मसाला ये पता चलता है कि मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी क्वांटिटी में वही चीज़ लूँगी, कोई कम या ज़्यादा वैसे गिरेगी नहीं। मुझे जैसे सोप ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा लूँगी, कम चाहिए तो कम लूँगी, ऐसे ही सब मसालों का होता है। तो ये कंटेनर बेस्ट ऑप्शन है अखे मसाले स्टोर करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।